हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आज के इस स्पेशल पिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक देने वाला हूं, जो आने वाले टाइम में एक बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट्स हमें कमा के दे सकता है। तो ये स्टॉक एक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है, और यहाँ से इसमें जो वॉल्यूम्स देखे गए हैं कई हफ्तों से, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम्स है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही अच्छे रिटर्न्स यहाँ से जनरेट करके दे सकता है। मेरे जो नए व्यूअर्स है, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरे जो भाई है जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, या फिर आप नया डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उस लिंक पे जाके आप अपना एंजल ब्रोकिंग में फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, जहां पर आपको फर्स्ट ईयर के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल फ्री रहेंगे और भी कई सारे फायदे। तो फटाफट जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस लिंक पे जाके आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो आज का स्टॉक, जैसे आपने देखा है, मेरा स्टॉक जो है होने वाला है टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। जी हाँ, ये क्लिनिकल रिसर्च जो एनालिसिस जो है होती है उनके ऊपर काम करता है, ठीक है, और उनका डेटा मैनेजमेंट का भी इनके पास काम है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और यहाँ से एक टेक्निकल ब्रेकआउट की तरफ ये कंपनी खड़ी है। तो देखिए, ये जो चार्ट है इस कंपनी का, ये कंपनी का चार्ट वीकली चार्ट है, और यहाँ पे अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 59.85 पैसे पे, यानी कि 60 रुपीज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, देखिए लास्ट टाइम जब ये स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू की थी तो ये 60 और 55 रुपीज से ही स्टार्ट हुई थी, जो कि स्टॉक को लेके गई थी 186 रुपीज तक। तो इसके टेक्निकल लेवल्स में आपको जरूर बताऊंगा कहाँ पे लेना है, क्या स्टॉप लॉसेस है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में छोटी सी जिस्ट देना चाहता हूँ, और इसके हल्के से हम लोग जो Q2 के रिजल्ट्स है वो देख लेंगे, यानी कि जो आने वाला मंथ है उसमें Q3 के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, तो आपको एक आइडिया होगी, और इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका टेक्निकल व्यू भी दे दूंगा। तो आइए देखते हैं इनका मेन वेबसाइट पे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए, मैं आपको ले आया हूँ टेक सॉल्यूशंस के इस मेन वेबसाइट पे, और यहाँ पे देखिए इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। देखिए, टेक सॉल्यूशन डिलीवर्स डोमेन इंटेंसिव सर्विसेज इन लाइफ साइंसेज एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इनका काम देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सर्विसेज इन लाइफ साइंसेज है, तो यहाँ पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए देखिए, यहाँ पे ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यहाँ पे देखिए विद ऑपरेशन स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, टेक इज अ पब्लिक कंपनी लिस्टेड इन इंडिया। देखिए यहाँ पे ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लेड बाय द टीम ऑफ इंडस्ट्री स्टालवर्ट्स ऑफ डोमेन एक्सपर्ट्स, टेक हैज बीन ग्रोइंग स्टेडिली विद FY20 रेवेन्यूज टचिंग INR 22 129 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे USD 312 मिलियन का है। तो यहाँ पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए, इनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में यहाँ पे एन कुमार इनके चेयरमैन है, तो यहाँ पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसकी वेबसाइट की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। इनके जो माइलस्टोन्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो, या फिर आप लिंक पे भी जाके आप इसकी भी पूरी डिटेल में जाके आप रीड कर सकते हो, क्या ये कंपनी क्या क्या काम करती है, ठीक है। तो मैं आपको अब ले चलता हूँ इसके जो है मेन, देखिए आपको बता रहा था मैं, जो इसका शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है। देखिए, जो आपके सामने अभी है ये ब्लू लाइन जो है, ये प्रमोटर्स का स्टेक है, 66.9% प्रमोटर्स स्टेक होल्ड करते हैं 100% में से, यानी कि करीब करीब 67% स्टेक प्रमोटर्स के पास है। 10.5% FYI, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पास है 10.5%, ठीक है। अदर्स में जो आते हैं वो रिटेल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो आते हैं, यानी कि आप और मैं, कॉर्पोरेट बॉडीज 8.2, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है 2.2 आते हैं, और ट्रस्ट जो है वो 1.2 आते हैं। तो यहाँ पे जो है ये शेयर होल्डिंग एज ऑफ 31 मार्च यहाँ पे अपडेटेड है, तो ये मान के चलें कि यहाँ से इसके बाद कोई चेंजेस नहीं आए, इसलिए ये कंपनी ने अब तक ये अपडेट नहीं किया, या फिर ये ऐसे ही है। अगर कोई चेंजेस आते हैं तो कंपनी इनके वेबसाइट पे भी चेंज कर देगी।
ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग मानी जाएगी। तो यहाँ पे अब चेक करते हैं इनका जो रिजल्ट आया था वो कैसा था Q2 का। देखिए Q2 का रिजल्ट्स के आपके सामने अभी मैं पेश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये है इसका Q2 का रिजल्ट, जो Q2 का FY21 का जो आया था। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो टोटल इनकम इनकी लास्ट क्वार्टर से बड़ी है, ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे अगर नीचे तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है वो करीब करीब सेम है। ठीक है, करीब करीब बोल रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि लास्ट ईयर जो प्रॉफिट आफ्टर जो इनका टैक्स डिडक्शन था वो था 2400 माइनस में आप बोल सकते हो। ठीक है, अब जाके इनका जो प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो लॉस ही है, क्योंकि 1155 करोड़ का जो इनका लॉस है वो अभी भी लॉस में ही है। तो 24 से लेके 1100 आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक छोटी सी रिकवरी जरूर की है। तो आने वाले क्वार्टर में ये देखने लायक होगा कि कैसे ये कंपनी की जो क्वार्टर है Q3 में कैसे परफॉर्म करती है। तो उस बेसिस पे आपको एक और स्ट्रॉन्ग इसमें फीलिंग आएगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग एक आपका व्यू होगा कि ये कंपनी आगे कैसे बढ़ सकती है। बट टेक्निकली जैसे मैं आपको अभी आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग इसमें वॉल्यूम देखा जा रहा है जो कि अपसाइड सजेस्ट कर रहा है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँ कि कैसे ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो देखिए मैं आपको अभी ले आया हूँ वापस टेक्निकल चार्ट पे, और ये वीकली चार्ट है जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे अगर आपको ये व्यू हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन बार्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन बार्स है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा बाइंग हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आप कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पे देखना है। मैं अगर कर्सर देखूंगा तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका वॉल्यूम और आपको इसमें कितना वॉल्यूम हो रहा है और कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम है वहां पे दिखाई देगा, आपको एक नंबर्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम के बाजू में ये सारे नंबर्स आ रहे हैं तो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे जो 30 नवंबर का जो वीक था उसमें वॉल्यूम देखिए 17.62 मिलियन यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 17.39, ठीक है, फिर 14 दिसंबर को देखिए 27 मिलियन, ठीक है, 15 मिलियन 21 दिसंबर वाली वीक में, 28 दिसंबर वाले वीक में 36 मिलियन, 25 मिलियन 4 जनवरी वाले वीक में। और इसके अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत ही कम वॉल्यूम्स है। ठीक है, तो अगर आप ये देख रहे हो कि ये जो पास्ट 5-6 वीक है इसमें बहुत ही जबरदस्त बाइंग हुई है, आप ये कह सकते हो इसमें प्रमोटर्स या फिर जो बड़े बड़े जो क्लाइंट्स है उन्होंने ये स्टॉक उठाया है क्योंकि उनको इस इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। और ये स्टॉक देखिए यहाँ पे जैसे ही जो पेंडेमिक आया था उस टाइम पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था समवेयर अराउंड 100, और उसके बाद ये स्टॉक आया था 36 रुपीज पे, और कुछ भी मूवमेंट ज्यादा ऊपर की तरफ ये स्टॉक नहीं दे पाया है, जबकि निफ्टी आपको उसके लाइफ टाइम हाईस पे चल रहा है और IT स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी मूवमेंट है। तो देखिए मैं आपको जैसे बताना चाहता था इस कंपनी का मार्केट कैप है 885 करोड़ का, ठीक है, करंट प्राइस है 59.80 की, ठीक है, लो देखिए हाई लो जो है ईयरली हाई लो है ये, और लो के करीब है। देखिए 36 रुपीज 20 पैसे का जो है ये लो लगाया है ईयरली, और 114 रुपीज का ईयरली हाई, यानी कि आपको लो के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है और यहाँ से आपको अराउंड अबाउट 100% की एक ग्रोथ यहाँ पे दिख सकती है। ठीक है, एक डिविडेंड हाल ही में दिया नहीं है बट ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बुक वैल्यू के नीचे है ये स्टॉक। देखिए इंपॉर्टेंट बात जो है ये बुक वैल्यू के नीचे है, 82 रुपीज का बुक वैल्यू है उसके नीचे है। स्टॉक पी ही यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पी ही है इनका, बट अगर आप देखोगे इनका सेक्टर का पी यानी कि इस सेक्टर का पी जो है वो 31% पे है, और इस स्टॉक में जो है पी उसका नेगेटिव में चल रहा है। तो यहाँ से ग्रोथ जो है वो बहुत ही एमिनेंट है, यहाँ से ग्रोथ आ सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि Q1 Q2 रिजल्ट धीरे धीरे करके इनके लिए चेंज हो रहे हैं, और इसका चेंज जो है मुझे पहला वॉल्यूम के साथ जो ये स्टॉक बढ़ रहा है उसमें दिख रहा है, इसलिए मैं आपको ये स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। तो ये स्टॉक आपको बहुत ही कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है और यहाँ से एक बहुत ही बड़ी आपको अपसाइड दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपके सामने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है, ये ट्रेंड लाइन देखिए
यहाँ पे ब्रेक हो रही है 21 दिसंबर, जबकि रेट चल रहा था 47 और 48 रुपीज के आसपास, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, आपको वॉल्यूम की लाइन देखिए, सबसे बड़ी वॉल्यूम की लाइन जो आई थी 36.29 मिलियन वॉल्यूम शेयर्स जो हुए थे यहाँ पे, ठीक है, ये उसी दिन उसके अगले दिन हुए थे जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी। और अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड अबाउट 60 के रेंज पे। जैसे ही ये स्टॉक आपको इस लेवल्स को निकालता है, जो कि 20 अप्रैल को के वीक में जो हाईज लगे थे 68.20 रुपी 20 पैसे के, यानी यहाँ से 8 रुपीज के आसपास की एक ऊपर की अपसाइड है। जैसे ही ये स्टॉक आपको 68 रुपीज के ऊपर जाते हुए दिखता है, उसके बाद इस स्टॉक के लिए कोई भी हर्डल नहीं है। यहाँ पे देखिए, इस स्टॉक के पास कोई भी हर्डल नहीं है, ये स्टॉक आपको सीधे सीधे 88-90 रुपीज के आसपास दिखेगा, ठीक है, और हो सकता है ये स्टॉक आपको 100 के ऊपर भी जाते हुए दिखे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया बाय है। अगर आपको डिक्लाइंस पे मिलता है, कोई भी डिक्लाइंस पे, तो इसको आप 35 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में बने रह सकते हो। 20 रुपीज का डाउन साइड है, ऊपर की तरफ आपको 100 रुपीज के लेवल्स इजीली बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में इस स्टॉक में आपको आते हुए दिखेंगे। अगर इसका रिजल्ट बहुत ही, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक ग्रोथ की है जून क्वार्टर से, सितंबर क्वार्टर ने उसमें जो 2400 का नेट माइनस बताया था, और उसको अब 2400 से लेके 1100 पे आ गए हैं, तो हो सकता है Q3 में एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इसलिए ये सारे वॉल्यूम्स आए हैं डाउन साइड पे। और जैसे ही देखिए, यहाँ पे कम लेवल्स पे यानी कि लोअर लेवल्स पे, जैसे ही वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इस स्टॉक में कोई ना कोई न्यूज है और ऊपर की तरफ ये स्टॉक जाने के लिए अब रेडी है। तो 100 रुपीज का फर्स्ट टारगेट मैं इस स्टॉक में दे रहा हूँ। अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 59.85 पैसे पे। ऊपर की तरफ आपको पहले जो लेवल्स आपको दिखाई देंगे आफ्टर 68 रुपीज, जैसे ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है, आपको 90-100 रुपीज के लेवल्स इस स्टॉक में जरूर ही आते हुए दिखेंगे, ठीक है। और अगर ये स्टॉक 106 रुपीज के आसपास अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो आपको 135 रुपीज के टारगेट्स इस स्टॉक में वापस आते हुए दिख सकते हैं विद इन नो टाइम। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आफ्टर 68, क्योंकि अभी ये स्टॉक स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 60 रुपीज। इसमें अच्छी वाली मूवमेंट जो आनी है वो 68 रुपीज के अपसाइड जो क्लोजिंग होगी, 68 रुपीज के अपसाइड जैसे ही क्लोज देगा ये स्टॉक, आपको 100 रुपीज के लेवल जरूर ही दिखाएगा। फर्स्ट टारगेट मेरा 100 रुपीज का होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 35, सेकेंड टारगेट होगा मेरा 135 का, ठीक है, और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 160 का। तो ऐसे टारगेट्स के लिए आपको बाय करना है। अभी 60 रुपीज के प्राइस पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे मैंने बहुत समय से इसमें ट्रैक किया है स्टॉक को, अभी से नहीं, 2016 से ये स्टॉक ट्रैक कर रहा हूँ। हालांकि ये स्टॉक डाउन साइड जर्नी में था, बट अब जाके देखिए वॉल्यूम्स एक बहुत ही लंबे समय बाद इस स्टॉक में वॉल्यूम्स दिख रहे हैं मुझे। जैसे कि देखिए यहाँ पे 15 जैन के टाइम पे दिखे थे जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू किया था। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्टॉक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स दे रहा है, ऊपर की तरफ जाने के लिए स्टॉक रेडी है। ऑलमोस्ट 100 रुपीज के टारगेट्स के लिए ये स्टॉक बहुत ही जल्द आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, इस संडे के स्पेशल पिक, ये स्टॉक जो दे रहा हूँ मैं आपको बहुत सारा पैसा कमा करके दे। तो आई होप आप सभी को ये स्टॉक पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।